देखो गाइस, हम लोग यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, सो प्लीज इफ यू गाइस कैन स्विच योर फोन्स ऑफ, वरना बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अरे यार, मैं मॉमडेड बाहर सारे हैं और कभी भी लैंड कर सकते हैं, और लैंड करते ही फोन करेंगे। यार मिकी, तू हर वक्त अपनी टैंग में दिखाया करा, या हम इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है हमारी। सोनिया इज राइट मिकी, दो चार फोन मिसेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यार तुम लोग समझते नहीं हो, माय मॉम डैड जस्ट लव मी, स्पेशली माय मॉम। प्लीज मिकी, स्विच ऑफ योर ब्लडी फोन नाउ। अब कम से कम अपने कजन की बात तो मान ले। यार तुम लोग कहते हो ना, तो करता हूँ। देखिए यार वासु, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, वी आर ऑल वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। या वी ऑल आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, और इस दुख की घड़ी में हम सब तेरे साथ हैं। गाइस, यार ये सब अपन 100 बार बोल चुके वासु को यार, नाउ थिंक इसे करना क्या चाहिए यार। वैसे वासु, अगर तू गया ना तो तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। मेरा भी यही मानना है, यू विल बी स्टूपिड इफ यू गो वासु। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाउ कैन यू टेल हिम नॉट टू गो यार। देख यार वासु, अगर तू गया ना तो इतना पछताएगा कि सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। यार तुम लोग उल्टा बोल रहे हो यार, अगर वो नहीं गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स यार, ऐसे दुख की घड़ी में इसका जाना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है दोस्त, सारी उम्र पछताएगा। और आज की जगह परसों निकल जाना, कौन रोकता है तुझे, एक दिन की तो बात है। देख वासु, अगर तू अब गया ना तो जिंदगी भर अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगा तू। जब भी वॉश बेसिन में खड़े होकर अपना मुंह धोएगा ना, तो बड़ी घिन आएगी तुझे अपने आप से। देखो गाइस, हम सब तेरे से आगे निकल चुके होंगे, एंड बाय द वे, अगर तू बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी होगा ना यार, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगा यार। वो लिटरली लाइक वो घोड़े की लीद जैसा यार, बिलीव मी। परमिंदर, कम से कम एग्जांपल तो ठीक दिया कर। इसके दिमाग में जो भरा होगा वही बोलेगा ना। पिछली बार मौलिक सर ने क्या बोला था कि अच्छी थ्योरम करने के बाद कैसा फील होता है, तो इसने क्या बोला था, वैसे ही सर जैसे एक अच्छी पॉटी करने के बाद होता है। साला वर्नी, पता नहीं कैसे कैसे बैकग्राउंड से आ जाते हैं मालविया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। साले बताऊं तेरे को, बताऊं साले, क्या कर रहे तुम लोग? हम लोग यहाँ वासु की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि अपने अपनी पेटी टॉक्स करने के लिए, जो हर रोज तो हम लोग करते ही रहते हैं, और तुम लोग अपने अपनी ईगोस को लेकर बैठे हुए हो। हाँ स्टूपिड कहीं का। Right. कुछ तो मौके की नजाकत को समझो आप लोग। गाइस हिज फादर इज डेड एंड ही वांट्स योर ओपिनियन बिकॉज पुअर गाय इज इन अ फिक्स। 2 घंटे बाद उसकी गाड़ी है एंड ही वांट्स टू नो फ्रॉम अस कि वो अपने गांव जाए कि नहीं जाए। कल शाम को उसके फादर का क्रिमेशन है वहाँ गाँव में। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। And he's the only son, yaar. His mother's inconsolable over there. बिचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया वहाँ पे, और उसके साथ कोई भी नहीं है उसको सहारा देने के लिए। Of course, यार, क्या मुँह दिखाएगी अपने रिश्तेदारों को? यार एक ही बेटा, और वो भी नहीं आया अपने बाप के अंतिम संस्कार पर। अंतिम संस्कार and all, my foot. You guys are so gullible. You just shut up, Mickey, यार. अरे अगर वो नहीं गया तो ना उसकी माँ को शांति मिलेगी, ना पिताजी की आत्मा को यार। और माँ तो माँ है, फिर रो धो के ठीक हो जाएगी। बट आई अग्री, उसके पिताजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। What kind of shit? You people are talking कि पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी and all that nonsense. यार मैं इसका कोई दुश्मन नहीं हूँ। All I'm trying to say, इसकी कल हमारा लास्ट एग्जाम है and then we are all in the final year guys. और परसों से फिर कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। How the hell can he go? हम सब यहाँ कैंपस में प्लेसमेंट के लिए खड़े होंगे, अपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स लेकर निकल जाएंगे, और ये बेचारा अपने हॉस्टल के रूम में पड़ा सड़ रहा होगा। और उसके बाद में क्लास में फोतिया वालों के साथ बैठ जाएगा। Have you seen the crowd in the fourth year? All those guys are gouties. And have you seen the girls? Total benji crowd, huh? मैं तो एक को भी ना डेट करूं, believe me, I swear. तू डेट की बोल रहा है? मैं तो सेकंड लुक ना दूं उन वर्नी गर्ल्स को। वो चंदा मात्रे को देखा है? The kind of clothes she wears. She smells, guys. She smells. Hey, how can you talk like that about girls, huh? You guys have no shame? The Chanda Matre, she stood first in the university last year, okay? And that was a record. She got 98.3%. Moreover, she gets a scholarship and she's already getting placement offers being in the fourth year. And mind you, this has never happened before. Whatever, I care a damn. Arey arey, wo sab chhodo. The bottom line is ki agar wo gaya to ek saal peeche ho jayega. Exactly. Agar ye ab gaya na to zindagi bhar apne aap ko maaf nahi kar payega. Ki last minute pe aake yaar, maine aisa kyun kiya? I mean, क्यों किया, क्यों ऐसा? मैंने तूने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि जब भी मैं मुंह धोकर आईना देखूंगा तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा।
शायद सही कह रहा था तू, पर तू एक बात कहना भूल गया कि जिस आईने में मैं अपना मुंह देखूंगा उसमें मुझे अपने पिताजी भी दिखाई देंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और मुझसे कहेंगे वो कि मैंने ज़मीन बेचकर जायदाद गिरवी रखकर तुझे पढ़ाया लिखाया और तू अपने बाप को कंधा देने भी नहीं आ सका। कंधा देने नहीं आना था तो मत आता, पर अपनी माँ का दुख हल्का करने तो आ जाता, उसके आंसू पहुँचने तो आ जाता। और शायद वो ये भी कहें कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी तुझे पढ़ाने के लिए और ऐन वक्त पर मुझे जलाने के लिए तू सब कुछ छोड़कर आया। अगर एक दिन बाद आता तो कम से कम मेरा वो सपना तो साकार होता जिसके लिए मैं जिया और अपना सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दिया। I loved him a lot. I don't know how will I ever return him. Whatever he did for me. You can return it by reaching there on time and performing his last rites. Vasu, क्या तुमने अपनी मॉम से बात करने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो की थी, पर वो बेचारी फोन पर रोए जा रही थी। She is inconsolable, यार। अच्छा एक बात बता, अगर तू उसको बोलेगा कल तेरा लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम है तो क्या बोलेगी वो? वो अनपढ़ औरत क्या बोलेगी, यही कि वासु जो तेरी इच्छा है वो कर। पर सवाल उसके बोलने ना बोलने का नहीं है यार, सवाल है मेरे जमीर का, मेरे कॉन्साइंस का। अपने आने वाली जिंदगी में क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा, और मेरा बाप क्या बोलेगा कि मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसने मुझे धोखा दिया। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो यही सोचेगा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसी ने मुझे धोखा दिया। एग्जैक्टली राइट, अगर तू अब गया ना तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। देख, हम सब अपने अपने पैर जमा चुके होंगे और तू जिंदगी भर हमारा जूनियर रह जाएगा। अरे बाबा, बट सी द प्लस इन इट ना, हमें से कोई भी इसका हाथ देकर ऊपर खींच लेगा। इट्स इजीयर सेड देन डन, इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड आउट देयर, और हर आदमी यही सोचता है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है। और साले सब लगे हुए अपनी अपनी कमीजों को घिसने में, और वैसे भी इतना ज्यादा इमोशनल होकर अपना करियर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जिंदगी और मौत तो चलता रहता है यार। इन टुडेज टाइम यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। इफ यू डोंट ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम यू विल बी लेफ्ट फार फार बिहाइंड ऑन द कॉर्पोरेट लैडर। माई फ्रेंड, माई डैड टोल्ड मी कि हम सब यूरोप जा रहे, मत दे एग्जाम, नेक्स्ट ईयर दे देना, बट आई डिडंट गो। सी, आई सैक्रिफाइस्ड। इन दोनों बातों में फर्क है मिकी। क्या फर्क है? हॉलीडे 4-6 दिन का मजा और डेथ 4-6 दिन का अफसोस। बाद में घूम फिर के गाड़ी पटरी पे आ ही जाती है। तू किस तरह का इंसान है मिकी? तुझमें शर्म नाम की चीज है या नहीं? तू अपने बाप की हॉलीडे और उसके बाप के डेथ को एक ही तराजू में तोड़ रहा है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तेरे अंदर कोई इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है यार। एक डैड की डेथ और एक डैड की हॉलीडे में फर्क होता है मिकी। यार जो तू बातें कर रहा है ना उसी से पता चल जाता है हमारे जो देश के वैल्यूज है वो कैसे धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं। आज से 25 साल पहले का जो यूथ था ना वो शायद ऐसी बातें कभी नहीं करता जैसे तू आज कर रहा है। Oh, come on, I'm not here to listen to some pseudo lecture, guys. देख, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना? तू तो सिर्फ एक सोसाइटी के सेगमेंट को बिलोंग करता है यार, एक ऐसा सेगमेंट जो अफ्लुएंट है, जिसे हर चीज हमेशा ऑन द प्लेटर मिली है ना, जिसने किसी चीज को पाने के लिए कभी पसीना तक नहीं बहाया हो, इसलिए शायद दूसरे के पसीने से नफरत करता है। मगर हम एक ऐसे सेगमेंट को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ऑफ दिस ब्लडी कंट्री, जिनकी मुठ्ठियां हमेशा बंद रहती हैं इस डर से कि जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी पाया है, वो भी ना खो दें। तू उस चंदा माथरे की बात कर रहा था ना साले, हाँ वो भी शायद किसी और तबके को बिलोंग करती है, और ये हमारा जो वासु है ना वो भी शायद उसी तबके को बिलोंग करता है। मगर मुझे इस बात का अफसोस है यार कि तू इस तबके के बारे में कुछ जानता ही नहीं। मगर हाँ, मुझे एक बात पर यकीन है कि एक पॉइंट पर आकर हम सब के इमोशन सेम हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में हम इंसान हैं, जानवर नहीं।
But you were not human, Mickey. So disgusting. तुम्हारा बाप अमीर है तो वो कह सकता है कि फाइनल एग्जाम मत दो और हॉलीडे पर आ जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अपने डैड का बिजनेस ही ज्वाइन करना है ना बाद में। तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि शायद अंकल को भी इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज ही हैज टर्न्स ऑफ मनी। एग्जैक्टली, फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है जिन्हें अपने अपने कुएं खोदने हैं और अपना पानी निकालना है, और वैसे भी तुझमें संस्कार नाम की तो चीज है ही नहीं। Now what the heck is that, guys? यार हम लोग क्यों इस पत्थर दिल इंसान के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? गाइस, वासु की ट्रेन में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। यहाँ से रामपुर जाने में 1 घंटा लगेगा और वहाँ से स्टेशन आधा घंटा और दूर है। दैट मीन्स वासु हैज 5 to 10 minutes मोर टू टेक द डिसीजन। सच में इसे ही कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। वो तो कॉर्पोरेट वाले कहते हैं, हम आर्टिस्ट इसे कहते हैं टू बी और नॉट टू बी। वन लास्ट कॉल यार, बोलो क्या करूं? ये फोन किसके बज रहा है? हाँ, Who is the bloody black sheep amongst us? I'm sorry guys, मैं अपना फोन ऑफ करना भूल गई, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। हेलो, या व्हाट हैपेंड? He's here only. Shit. Oh no. Yeah, I'll tell him right away. Yes, don't worry. मिकी, तुम्हारी बहन प्रिया का फोन था। वो कब से तुम्हारा फोन ट्राई करी थी, ऑफ आ रहा था। मैंने कहा था ना यार, मेरा फोन ऑन ही रहने दो। योर पेरेंट्स हैव लैंडेड इन दिल्ली। तुम्हारी मॉम को अस्थमा था ना? हाँ हाँ, तो वो अपनी मेडिसिंस अपने हैंडबैग में रखना भूल गई और उसे चेक्ड इन बैगेज में डाल दिया था। तो She got a severe asthma attack in flight. And what? And your dad just landed in Delhi with your mom's body. प्रिया दी कह रही थी कि तुम पहली फ्लाइट पकड़ के जल्दी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचो। राइट आशुतोष, एक पॉइंट पर आकर सबके इमोशंस एक जैसे ही हो जाते हैं।